Hi guys, my name is Uma Sarma. Welcome back to my channel. Today's video is very special because in this video I'm gonna tell you all the available jobs that you can do in Italy during your studies. So in this video I have tried to cover all the available jobs that you can do during your studies. So the first question is that is it easy to find the job or to get the job in Italy? So the answer is no, it's not so easy to get the hi-fi job in Italy. But there are certain jobs that you can do during your studies. You know that Italy mein jo main problem hai, that is your language barrier. Kyunki aap Italy mein jaate hain, Italy mein jo unki official language hai, that is Italian language. Either you go to their offices, international offices, everywhere, banks. तो वहां पे जो उनकी लैंग्वेज बोली जाती है, उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वो भी इटालियन में है. हम लोग अगर पाकिस्तान की बात लें, हम लोग बोलते उर्दू हैं, लेकिन हमारी जितनी भी स्टडीज हैं वो मोस्टली इंग्लिश में होती हैं. इसके अलावा घरों में जो बोली जाती है दैट इज पंजाबी, और जो भी हमारे प्रोविंस है उसके अकॉर्डिंग बोली जाती है, और जो हमारे बैंक्स और जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज इंग्लिश. तो हमें कन्फ्यूजन है, लेकिन इटली में ऐसा नहीं है. तो वो अपनी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं, वो उसी में ही कम्युनिकेट करते हैं, उसी में जो उन्होंने करना है वो सारा कुछ अपनी इटालियन लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं. अच्छा, इसमें मैं आपको बताती हूँ कि जो हम लोग कौन कौन सी जॉब्स जो हैं जो हम इजीली कर सकते हैं. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जॉब्स कौन कौन सी कर सकते हैं, उनकी एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी होती है, और उन्हें हम लोग कैसे सर्च कर सकते हैं. तो फर्स्ट जॉब जो हम लोग कर सकते हैं दैट इज हम लोग कैंपस में जॉब कर सकते हैं. क्योंकि आई रिमेम्बर व्हेन आई वेंट टू इटली, तो एट दैट टाइम जो मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी यूनिवर्सिटी में, तो वहां पे एक इंटरनेशनल ऑफिस होता है. वो ऐसे होता है कि बड़ा सारे डेस्क होता है, वहां पे 5-6 स्टूडेंट्स बैठे हुए होते हैं, और उनकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश में बात करते हैं, और उनके वो आपके डॉक्यूमेंट्स फिल करवाने में, जिस लाइक आपका परमिशन से जोड़ना, आपका जो रेजिडेंस परमिट है, इंश्योरेंस कार्ड, एवरीथिंग को सारा कुछ फिल करवाने में वो हेल्प करते हैं. वो यूजुअली होते हैं बैचलर के स्टूडेंट्स और मास्टर्स के स्टूडेंट. तो उनके लिए इजी होता है कि एक वो वहां पे जाके अर्न कर सकते हैं. उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है 6 मंथ्स की, और 3 मंथ्स की वो होती है यूनिवर्सिटी कैंपस की जॉब. आप इजीली वो जॉब कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंडेटरी नहीं है कि आपने इटालियन में ही बात करनी है, क्योंकि आपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को डील करना होता है. तो आप इजीली वो जॉब कर सकते हैं. अच्छा, नेक्स्ट वन इज यूनिवर्सिटी इंटर्नशिप जॉब. यूनिवर्सिटी इंटर्नशिप जॉब होती है, वो भी आपकी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आ जाती है कि आपके जो यूनिवर्सिटी है वो इंटर्नशिप इतने मंथ्स की करवा रही है, दैट इज अराउंड 3 to 6 मंथ्स. तो 3 to 6 मंथ्स की आपकी इंटर्नशिप होती है, आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हो तो आपको यूनिवर्सिटी जॉब दे देती है. तो ये भी ज्यादातर मास्टर बैचलर स्टूडेंट्स के लिए होती है. तो मीन्स आप लोग इजिली वहां जाके अर्न कर सकते हैं. और थर्ड जो आप लोग जॉब कर सकते हैं, जो कि वहां पे बहुत ज्यादा कॉमन है और बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स करते हैं वहां पे, दैट इज डिलीवरी जॉब्स. पिज्जा डिलीवरी वगैरह की जॉब होती है जो आप कर सकते हैं. इसमें आप कितना कमा सकते हैं, इसमें यूजुअली आपकी डिलीवरीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी डिलीवरीज करते हैं. यू नो देयर आर होल बंच ऑफ कंपनीज दैट आर ऑफरिंग दिस टाइप ऑफ जॉब. फॉर एग्जाम्पल ओबर ईट हो गया, एंड योर जस्ट एड, डिलीवरो, इस तरह की कंपनीज हैं जो कि ये जॉब्स ऑफर करती हैं, और आप वहां पे इजीली जॉब कर सकते हैं. इसमें भी आपकी डिलीवरीज, अगर आप ज्यादा डिलीवरी करेंगे तो आपकी जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटी, आपको पैसे ज्यादा मिलेंगे. काफी दफा ऐसे होता है कि आप 30 to 40 यूरोस भी कमा लेते हैं. काफी दफा ऐसे होता है कि आपके पास कोई डिलीवरी नहीं आती तो आप कुछ भी नहीं कमाते. तो ये डिपेंड करता है उसके ऊपर. अच्छा, इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको साइकिल आनी चाहिए, और साइकिल पे आप जितनी स्पीड से जाएंगे, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम होता है कि 45 मिनट तक आपने वो डिलीवरी करनी है. तो आप अगर अपने कंट्री में, आपको साइकिल नहीं आती लेकिन आप इटली जाके जॉब करना चाहते हैं, डिलीवरी की जॉब करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेस्ट चीज है कि आपको साइकिल आनी चाहिए. आप अपने कंट्री से जाते हुए साइकिल जरूर सीख के जाइएगा. सेकेंड जॉब इज दैट इज टू वर्क इन द रेस्टोरेंट. आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाके काम कर सकते हैं. There are 3 types of job, just like waiter in the restaurant. Number 2 is dishwasher. Number 3 is helper to the cook. If you want to work in the Italian restaurant, then you should know some basic Italian language. But Italy में बहुत सारे Asian means पाकिस्तानी Indian restaurants भी हैं, so आप वहां जाके भी job कर सकते हैं. वहां पे आपको salary कितनी मिलती है? If you work in the Italian restaurant, तो आपको वहां पे तकरीबन 7 to 9 euros per hours मिल जाता है. और इसके अलावा अगर आप मिल जाता है, और इसके अलावा अगर आप काम करते हैं एशियन रेस्टोरेंट में, तो वहां पे आपको 4 to 5 या 4 to 6 आवर्स
यूरोस पर आवर आपको मिल जाता है. सो अगर आप एशियन रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको इटालियन लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, और लेकिन अगर आप इटालियन रेस्टोरेंट में जाके काम करते हैं तो बेसिक जो छोटी मोटी इटालियन लैंग्वेज है वो आपको जरूर आनी चाहिए ताकि आप उनके साथ इजीली कम्युनिकेट कर सकें. अच्छा, आप ये जॉब कैसे सर्च कर सकते हैं? आप अपनी सीवी के साथ वहां पे खुद भी जा सकते हैं. आप अपनी सीवी लेके चले जाएं, सीवी में आप थोड़ी सी एक्सपीरियंस शो कर दें कि जस्ट लाइक यू आर पाकिस्तानी और इंडियन एंड यू हैव ऑलरेडी दिस, यू हैव डन दिस टाइप ऑफ वर्क इन पाकिस्तान और इंडिया. तो आप उसके अंदर थोड़ा सा एक्सपीरियंस शो कर देंगे अपनी सीवी में तो वो आपको अपने पास रख लेंगे जॉब के लिए. नेक्स्ट टाइप ऑफ जॉब इज बेबी सीटिंग जॉब हो गई है, या ओल्डर पीपल केयर की असिस्टिंग, इस टाइप की जॉब जो है वो आप इजीली कर सकते हैं. इसमें आपको कितने, इसमें आप नैनी सर्विसेज दे दें और क्लीनिंग वगैरह की जॉब हो जाती है, और एल्डर पीपल जो होते हैं, एल्डर एज पीपल होते हैं, उनकी असिस्टिंग वगैरह की जॉब होती है. तो ये इटली में वाइडली अवेलेबल है ये जॉब्स, ये आप इजीली वहां पे जाके कर सकते हैं. इसमें आपको पर आवर जो है वो तकरीबन 4 to 6 यूरोज आपको मिल जाते हैं. बट देर इज ऑल्सो अनदर ऑप्शन इफ यू वॉन्ट टू स्टे विद दैम, जस्ट लाइक अगर आप अपनी अकोमोडेशन पे नहीं रहते और वो आपको चाहते हैं कि आप 24 आवर्स उनके साथ रहें, देन यू कैन ऑल्सो अवेयर दिस अपॉर्चुनिटी, यू कैन लिव 24 आवर्स विद दैम. तो एंड यू कैन अर्न 600 to 900 यूरोज पर मंथ. तो उसमें आपके आवर्स के हिसाब से नहीं होता, उसमें ये होता है कि आपकी आप मंथली जो है वो उनके साथ, इनके साथ रह के कमा सकते हैं. इसमें आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपकी अकोमोडेशन आपको फ्री मिल जाएगी एंड योर फूड इज ऑल्सो फ्री. सो आप अर्न भी करते रहेंगे और आपको अकोमोडेशन का भी पे नहीं करना और आपको फूड का भी पे नहीं करना. सो ये दिस टाइप ऑफ जॉब इज वाइडली अवेलेबल इन इटली. सो आप स्क्रीन पे देखिएगा, आप इन वेबसाइट से ये जॉब्स इजिली सर्च कर सकते हैं. Next type of job is tutorship. As I told you before that the Italian people, their official language is Italian and they usually communicate in Italy, but their parents want their children to learn English language because you know ki English language jo hai wo ab official काफी जगहों पे होती जा रही है और उनके बच्चों को and obviously जब वो दूसरे countries में जाते हैं so they are facing a lot of difficulty to communicate in English. तो क्या होता है कि ज्यादातर जॉब्स जो है ज्यादातर फीमेल्स को मिलती हैं, लेकिन मेल भी इसके लिए ट्राई कर सकते हैं. ऐसी बात नहीं है कि मेल उसके लिए ट्राई नहीं कर सकते. सो आप इसमें कितना अर्न कर सकते हैं? आप इसमें यूजुअली 9 to 13 यूरोज और 15 यूरोज तक भी आप इजीली अर्न कर सकते हैं इसमें. इसमें ऐसे होता है कि आप सिर्फ इंग्लिश की जगह इंग्लिश पढ़ाने के साथ साथ आप उन्हें मैथ, साइंस, इस तरह की ट्यूटरशिप जो है वो भी, उनकी सर्विसेज आप उन्हें दे सकते हैं. सो ये भी वहां पे बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं जॉब्स के. अगर आप कहीं पे बाहर जॉब करना चाहते हैं तो आप ट्यूटरशिप की जॉब भी कर सकते हैं. एंड लास्ट टाइप ऑफ जॉब क्या है? वो ये है कि फार्मिंग की जॉब. आप फार्मिंग की जॉब कर सकते हैं. इटली इज रिच ऑफ ऑलिव्स एंड ग्रेप्स. तो यू कैन इजीली डू ऑलिव पिकिंग, वेजिटेबल पिकिंग एंड फ्रूट पिकिंग. आई सॉ अ लॉट ऑफ बैचलर एंड मास्टर स्टूडेंट्स इन इटली के वो ये इस तरह की जॉब करते हैं. उसमें आप ओवरली कितना कमा सकते हैं? उसमें आप ओवरली जो है तकरीबन 6 to 7 यूरोज तक आप कमा सकते हैं. लेकिन इट्स अ वेरी टायरिंग जॉब इफ यू आर स्टूडेंट्स एंड यू हैव टू स्टडी एंड यू हैव टू पास योर एग्जाम्स, देन इट्स अ वेरी टायरिंग जॉब फॉर द स्टूडेंट्स. लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू अर्न मनी. लेकिन इस जॉब का थोड़ा सा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इट्स अ सीजनल जॉब एंड आपके वर्क की कोई गारंटी नहीं है. लेकिन फिर भी अगर सीजनल जॉब है, यू कैन डू इट फॉर 3 months, फॉर 6 months. अगर आपके पास कोई पैसा नहीं है और आप कमाना चाहते हैं, देन इट्स अ गुड ऑप्शन टू अर्न द मनी. इसके लिए ये है कि अगर आप ये जॉब करना चाह रही हैं और आप चाहते हैं कि हाँ आपने ये जॉब करनी है, तो अच्छा खाएं पाकिस्तान से, इंडिया से अच्छा खा के जाएं यहां से, अपनी सेहत बनाएं. क्योंकि इस तरह की जॉब जो होती हैं ऑब्वियसली ज्यादातर मैंने देखा है समर में होती हैं, और समर में ऑब्वियसली गर्मी होती है तो आपको डिहाइड्रेशन वगैरह हो सकती है. तो अपने साथ पानी जरूर रखिएगा, खाना पीना कीजिएगा. और ये जॉब जो है ये आप इन वेबसाइट से, यहां से जो स्क्रीन पे शो हो रहा है यहां से भी आप ये जॉब सर्च कर सकते हैं. अच्छा, एक और चीज मैं आपको यहां पे बताती हूं कि अगर अभी आप स्टार्ट में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली यू प्रेफर टू वर्क विद द एशियन पीपल. तो आप क्योंकि बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर और इटालियन के साथ काम करने के लिए ऑब्वियसली यू नीड टू लर्न इटालियन. तो मेरी एक एडवाइस है आपको कि वहां जाते साथ इटालियन लैंग्वेज की क्लासेस होती हैं, यूनिवर्सिटीज खुद कंडक्ट करवाती हैं
फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, इसके अलावा कम्यूने वहां पे फ्री में करवाती है इटालियन लैंग्वेज। अगर आप वहां पे लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहते हैं तो आप इटालियन लैंग्वेज जरूर सीखें वहां जाते साथ, वो आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज देगी, आप डिफरेंट टाइप्स की जॉब कर सकते हैं। और ट्राई कीजिएगा जो इटालियन एम्प्लॉयर हैं आप उनके साथ काम करें, जो एशियन एम्प्लॉयर हैं उनके साथ ट्राई करें कि वो काम ना करें, क्योंकि वो एक्सप्लॉइट करते हैं। अगर इटालियन आपको 7 यूरोस दे रहे हैं पर आवर तो एशियन आपको 4 यूरोस पर आवर देंगे। तो ये टिप्स हैं कि आप जो है इनको समझें और वहां जाते साथ इटालियन सीखें, और जो आप जॉब, ये जो इटालियन लैंग्वेज जब आप सीखेंगे तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी, आपको एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा, आप फर्दर जो है वहां पे अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं, या आप मजीद वहां पे जॉब की अपॉर्चुनिटीज आपको ज्यादा से ज्यादा मिल सकती हैं। अच्छा, लास्ट पॉइंट इज कि अगर आप इटली में स्टूडेंट हैं तो आपको 20 आवर्स पर वीक आप वहां पे काम कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई जॉब मिलती है तो आप 20 आवर्स भी काम करेंगे, और जैसा मैंने आपको बताया कि किस जॉब में आपको कितनी सैलरी मिल सकती है, तो आप पर वीक भी आप अच्छा जो है अर्न कर सकते हैं, एक्सपेंसिस को अच्छे तरीके से जो है वो मैनेज कर सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में जितने मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ पे आप जॉब अर्न कर सकते हैं, कितनी कितनी सैलरी आपको एक्सपेक्टेड सैलरी है, ये मैंने आपको एग्जैक्ट सैलरी नहीं बताई, एक्सपेक्टेड सैलरी है जो आपको मिल सकती है, तो इन सारी चीजों की आपको समझ आ गई होगी। किसी चीज की अगर आपको समझ नहीं, कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।